वैलेंटाइंस डे वीक पर लगातार हम आप लोगों को उन ऐसे खास व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनकी लव स्टोरी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। इसी में भाई आज एक नाम और सामने आया है और वो नाम है मॉडल प्रियांक शर्मा को लेकर। टीवी और फिल्मों की कहानी में वैसे तो लव ट्रायंगल कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई रियलिटी शो के तीन सितारों का प्रेम त्रिकोण इन दिनों मीडिया में पूरी तरीके से छाया हुआ है। वहीं आपको बता दें, स्प्लिट विला में प्रियांक शर्मा और दिव्या अग्रवाल को प्यार हुआ और उन्हें फैंस ने दिव्यांक नाम दिया। बाद में बिग बॉस के घर में दिव्या ने आकर प्रियांक से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उनकी नज़दीकी बिना फसा से बढ़ रही थी। जी हाँ, शो से बाहर निकलकर प्रियांक और बेनफशा ने अफेयर की खबरों से इनकार किया और कहा कि वे दोनों बहुत ही अच्छे सिर्फ दोस्त हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही विकास गुप्ता के शो एस ऑफ स्पेस में दिव्या ने प्रियांक पर झूठ बोलने और उन्हें धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं बेनफशा के एक्स बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने भी कहा कि उन्होंने प्रियांक और बेनफशा को रंगे हाथों पकड़ा था और दोनों इन दिनों एक दूसरे के शो में सहारा देते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रियांक और बेनफशा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। जी हाँ, दिव्या के इल्ज़ामों के जवाब में प्रियांक ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा, जी हाँ, और उनके नाम का इस्तेमाल कर दिव्या शो जीतना चाहती है ये कहा। वहीं दूसरी तरफ भाई दिव्या भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक और चैट शेयर किया जिसमें बेनफशा और दिव्या दोनों प्रियांक को धोखेबाज बता रही हैं। आपको बता दें, दिव्या ने शेयर किया बेनफशा के साथ अपना चैट जिसमें दोनों ही प्रियांक को कोस रही हैं और एक दूसरे को प्रियांक से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। वहीं प्रेम त्रिकोण में बेनफशा ने भी प्रियांक की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा। वैसे मीडिया एक रिपोर्ट की माने तो दिव्या और वरुण के टूटे दिल को एक दूसरे के साथ में इन दिनों आराम मिल रहा है। वहीं प्रियांक और बेनफशा भी एक दूसरे के साथ खुश हैं और अब इस लव ट्रायंगल में इतना कंफ्यूजन है कि फैंस के साथ साथ हम भी पूरी तरीके से भाई कंफ्यूज हैं कि अब देखते हैं कि आखिर दिव्या और वरुण कब तक एक दूसरे के साथ देते हैं और प्रियांक और बेनफशा कितने दिन और साथ रहते हैं। लेकिन देखा जाए कुल मिला के तो भाई इस लव ट्रायंगल में तीनों के लव स्टोरी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ना जाने ये जो लव ट्रायंगल है वो कब तक खत्म होगा। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।